मध्य प्रदेश राज्य निगम मंडल बैतूल की रेंज पूंजी में रेंजर के संरक्षण में अतिक्रमणकारियों के बड़े पैमाने पर अतिक्रमण किया जा रहा है। वर्ष 2023 जून जुलाई में शासन के निर्देशानुसार बाटका ढाना और नारायणपुर के बीच में प्लांटेशन किया जाना था। अब यहां आपको बता दें कि ताजा मामला बैतूल की रामपुर भतौड़ी निगम की पूंजी रेंज से सामने आया है, जहां बाटक ढाना नारायणपुर के बीच में रेंजर के संरक्षण में कंपार्टमेंट नंबर 209 और 210 में कब्जा अतिक्रमणकारियों द्वारा किया जा चुका है। समय रहते यदि इस मामले में संज्ञान लेकर कार्यवाही कर देते हैं तो शासन के लाखों रुपए पानी में नहीं जाते। इस अतिक्रमण से मक्का की फसल ले भी चुके हैं और दूसरी गेहूं की फसल भी पककर तैयार हो गई है। ग्रामीणों ने कहा कि यहां पर प्लांटेशन किया ही नहीं किया, सालों पहले जो प्लांटेशन किया था वो भी तहस नहस करके अतिक्रमणकारियों द्वारा कब्जा कर लिया है और इस जमीन पर फसल भी बोई गई है, पर आज तक ना कोई राज्य निगम के अधिकारी इनके पास पहुंचा, नहीं कोई नोटिस इन्हें दिया है। कोर्ट केस के बाद तो दूर है, इस बात से तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जिन्हें सुरक्षा के लिए तैनात किया वो सुरक्षा करने में नाकाम और नाकाबिल साबित हो रहे हैं। रेंजर में रहने की जगह जिला मुख्यालय पर ही अपना समय बिताकर फ्री की पगार ले रहे हैं। इस रेंज में निरीक्षण किया जाए तो अधिकतर कंपार्टमेंट में अतिक्रमण ही मिलेगा। क्या नाम है आपका? लक्ष्मण। लक्ष्मण कहाँ के रहने वाले हैं? बाटका। ये जो प्लांटेशन किया था क्या यहाँ पर कभी बारिश वालों ने? हाँ किया था ना। कब? हर बहुत साल पहले, 15-20 साल पहले की बात। अभी कभी किया क्या? अभी नहीं किया, अभी नहीं किया। अभी फॉरेस्ट की जमीन पे सब क्या फसल लगा था? हाँ अभी तो गेहूँ चना लगा है उनने। कितनी जमीन होगी फॉरेस्ट की? नहीं वो अपन को नहीं मालूम, वो सब पे क्या गेहूँ चने फसल। हाँ आप लोग को ही मालूम है प्लांटेशन बनाने वाले वो कितना हेक्टेयर है वो उनको मालूम। प्लांटेशन अभी नहीं बना है? पहले बना था शुरू पे, आपने पिछले साल कुछ किया था क्या? उन्होंने पिछले साल नहीं लगा था, इसी साल। इनने कब्जा कब किया? ये दो साल तो हो रहा ना। दो साल? हाँ पिछले साल से।